हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो सी लैंग्वेज की है। सी लैंग्वेज में कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करें, हालांकि ये प्रोग्राम मैंने पहले से लिख रखा है लेकिन आपको बता देता हूं। देखिए, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो साधारण ब्याज, उसका मतलब होता है साधारण ब्याज, हिंदी में उसे साधारण ब्याज कहते हैं। और जो साधारण ब्याज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वो पीआरटी अपॉन 100 होता है। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट, आर का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी का मतलब होता है टाइम, अपॉन 100 कर देते हैं तो आपका यानी कि साधारण ब्याज कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, एसआई कैलकुलेट हो जाता है। तो अभी हम एसआई को कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे सीआई को यानी कंपाउंड इंटरेस्ट को। और वो क्या है प्रोग्राम, आइए आपको दिखाता हूं। यहां पर देख सकते हैं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए मैंने प्रोग्राम लिखा है। यहां पर एक हमने यूज किया है हेडर फाइल math.h, ये सी लैंग्वेज में पहले से बनी हुई हेडर फाइल है। जैसे कि आप stdio.h का यूज करते हैं वैसे ही हमने math.h का यूज किया है। और यहाँ पर फ्लोट नाम का वेरिएबल बनाया है, यहाँ पर एक वेरिएबल प्रिंसिपल के नाम से बनाया है, एक रेट के नाम से बनाया, एक टाइम के नाम से बनाया, एक सीआई के नाम से बनाया है। ठीक है, और फिर यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट को स्टोर कराया है, यहां पर टाइम को स्टोर कराया और यहां पर रेट को स्टोर कराया है। फिर हमने क्या किया है, पाव फंक्शन का यूज किया है, पाव। ठीक है, 1 प्लस रेट अपॉन 100 कर दिया है और यहां पर टाइम रखा हुआ है और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट को प्रिंट करवा दिया है। ये प्रोग्राम आप अच्छे से देख लीजिए। यहां से अब मैं बिल्ड पे चलता हूं, इसको कंपाइल करवाता हूं, तो उससे पहले हमें सेव करना होगा। तो यहां पर compound.c के नाम से इसे सेव कर देता हूं, तो ये हो गया compound.c, यही लगा दिया मैंने और ये सेव हो गया प्रोग्राम। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को रन करवाने की बारी है, तो यहाँ बिल्ड पे चल के कंपाइल हो चुका है, रन करवा देते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एंटर प्रिंसिपल अमाउंट। तो अगर प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपए है, ठीक है, अगर प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपए है और यहाँ पे टाइम भी पूछ रहा है तो यहाँ पर 1 कर देते हैं, ये 1 कर दिया हमने और एंटर कर देते हैं। और यहाँ पे रेट कह रहा है तो रेट हम 10% रखेंगे तो ये 10 कर दिया। तो यहां पे देख सकते हैं, अगर 100 रुपए किया मैंने तो 100 रुपए का कुल मिलाकर के एक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया वो यहां पे 110 रुपए आया। यानी कि 100 रुपए अगर किसी को आप ब्याज पे देते हैं और उसमें आप कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करते हैं तो यहां पर आएगा 110 रुपए। ठीक है, अभी ये कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज। ठीक है, तो अभी यहां पर हमने ये प्रोग्राम रन कराया था, फिर एक बार और इसको रन करवा लेते हैं। अभी मैं यहां पर 200 रुपए एंटर करता हूं और इस बार हम क्या एंटर करेंगे, 2 एंटर करेंगे। यहां पर टाइम 2 एंटर किया है देखिएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम एंटर करते हैं 10%। तो फिर यहां पे देखिए, अभी यहां पर 242 आ चुका है, देख सकते हैं, यानी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है, यानी जो इंटरेस्ट आपका बना है उसके भी ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है सेम। जैसे मैं इस प्रोग्राम को क्लोज करता हूं, एक बार फिर से आपको सिंपल वे में दिखाता हूं इसी प्रोग्राम को रन करवा करके। अगर मैं यहां पे प्रिंसिपल अमाउंट 100 एंटर करता हूं, ध्यान दीजिएगा, ये प्रिंसिपल अमाउंट 100 एंटर किया, टाइम यहां पे 2 एंटर करता हूं यानी 2 ईयर, और यहां पर एंटर कर देता हूं और फिर यहां पर कह रहा रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10% ही कर देते हैं यहां पे। जैसे ही करते हैं तो यहां पे 121 रुपए आ रहा है, रूल के हिसाब से 120 आना चाहिए लेकिन यहां पर आ रहा है 121, यानी कि जो आपको 10 रुपए ब्याज मिल रहे हैं उसका भी 10% यानी 1 रुपए कैलकुलेट हो जा रहा है और वो उसमें जुड़ जा रहा है। यही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। प्रोग्राम आप एक बार फिर से देख सकते हैं, ये आपका प्रोग्राम है। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।